क्वेश्चन है, इफ जेड वन एंड जेड टू बी एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉड जेड वन प्लस जेड टू इक्वल टू मॉड जेड वन प्लस मॉड जेड टू देन द आर्गुमेंट ऑफ जेड वन माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड टू। देखिए एक चीज याद रखिएगा, ये जो प्रॉपर्टी है एक इनइक्वलिटी प्रॉपर्टी कहलाती है। अगर जेड वन जेड टू मान लीजिए ट्राइंगल के लिए है, जेड वन जेड टू और ये जेड वन प्लस जेड टू, तो इनइक्वलिटी होगी, और अगर इक्वल है तो पॉइंट कॉलिनियर होंगे। तो यहां पर ये इक्वल दिए, इसका मतलब जेड वन और जेड टू कॉलिनियर पॉइंट होंगे, तो इसका मतलब एंगल भी सेम होगा। तो अगर एंगल सेम होगा तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, एक सिंपल सा लॉजिक है, जीरो। जैसे मान लो कि आपने एक पॉइंट बेटा ऐसा ले लिया, वन जीरो, एक ले लिया टू जीरो, ठीक है, ये जेड वन हो गया कितना वन, जेड टू कितना हो गया टू, तो जेड वन प्लस जेड टू भी थ्री है, और अलग अलग करोगे तो भी थ्री है। दोनों के एंगल का डिफरेंस निकालोगे तो जो एंगल ये बना रहा है वही एंगल ये बनाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि करेक्ट आंसर विल बी जीरो।